दुनिया आज तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुकी है। आधुनिकता के इस दौर में हर देश में रोज कुछ न कुछ नए आविष्कार होते रहते हैं जो हमारी जिंदगी को और भी आसान बनाने का काम करते हैं। टेक्निक और प्रयोग करने के मामले में आज की दुनिया में जापान का कोई जवाब नहीं। खाने से लेकर पहनने और रहने तक जापान विविधताओं से भरा देश है। ये देश समय समय पर दुनिया को अपने अनोखे प्रयोगों के जरिए हैरान करता रहा है। आज हम जापान की कुछ ऐसी कमाल चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ जापान में पाई जाती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। स्क्वायर वाटरमेलन। आमतौर पर वाटरमेलन यानी तरबूज का आकार गोल होता है, लेकिन आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे पर जापान में तरबूज गोल नहीं स्क्वायर होते हैं। जापान में किसानों के पास खेती के लिए कई नई और अनोखी सुविधाएं मौजूद हैं, जो उन्हें ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका देती हैं। यहाँ के किसानों ने अपने आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स से तरबूज को एक और नए आकार में बदल दिया है, जिसे हाइब्रिड फलों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। स्क्वायर शेप वाले तरबूज को स्टोर करना भी बहुत ही आसान होता है और ये घरों में सजावट के भी काम आता है। लिब्रेशन रैपर। हमारे यहाँ आमतौर पर खाने के दौरान या खाने के बाद टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब आपको बर्गर खाना हो। बर्गर खाने के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपके हाथ तो गंदे होते ही हैं, साथ ही कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भरी सभा में इसे मुंह फाड़कर कैसे खाएं, खासकर लड़कियों को। इस समस्या से पार पाने के लिए जापान के एक रेस्टोरेंट ने एक ऐसा पेपर बनाया जो कि आम टिश्यू पेपर से थोड़ा बड़ा और स्टाइलिश है। बर्गर खाने के दौरान ये पेपर सामने से आपका पूरा चेहरा, नाक सब कवर कर लेता है और इस तरह आप बेहिचक बर्गर खा सकते हैं। वेंडिंग मशीन्स। वैसे तो पूरे जापान में काफी कुछ अलग चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज है वो ये कि यहाँ कुछ भी खरीदने के लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ जगह जगह पर वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जिनमें खाने पीने से लेकर कपड़े, जूते और भी बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। इस मशीन में पैसे डाल दिए जाते हैं और जरूरत के मुताबिक जो चीज चाहिए उसका बटन दबा दिया जाता है। एटीएम की तरह ये शहर के हर गली चौराहे में मौजूद होने की वजह से जरूरतमंद वस्तुएं खरीदना लोगों के लिए आसान बना देती हैं। ट्रांसफॉर्मिंग टटामी। ये एक तरह का फ्लोर मैट है जिसे आप ज्यादातर जापानी घरों में देख सकते हो। पारंपरिक जापानी मैट से ये टटामी मैट थोड़ा अलग है। इस मैट की खासियत यह है कि इसे फोल्ड किया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक काम में लिया जा सकता है। अगर आपको बैठकर कुछ काम करना है तो आपको टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मैट को फोल्ड करेंगे तो ये टेबल बन जाएगा। जरूरत के मुताबिक ये कमाल का मैट कभी सोफा भी बन जाएगा। हेलमेट विद पोनीटेल होल। ये एक बहुत ही अनोखा हेलमेट है जिसे खास करके लड़कियों के लिए बनाया गया है। जापानी लोगों ने पाया कि महिलाओं को मोटरसाइकिल चलाते वक्त उनके बालों की वजह से साधारण हेलमेट पहनने में समस्याएं होती हैं। इस वजह से जापानियों ने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जिसमें चोटी के लिए छेद रखी गई है, जो वाकई कमाल का है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे बेहतर लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।